कक्षा 11वीं की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। लेखा शास्त्र में अपन भाग 2 पर समायोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो समायोजन किया मतलब उसके पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपको वित्तीय विवरण में समायोजन, अंतिम स्कंद, आदत्त व पूर्ववत्त व्यय, उपार्जित और अनुपार्जित आय, हास, डूबत ऋण, अशोध्य ऋण, इन सब लेनदार देनदार और संचय प्रबंधकी कमीशन और सामान्य हानि, पूंजी अहरण पर ब्याज और ग्राहकों की स्वीकृति हेतु माल बेचना और माल, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो समायोजन का अर्थ व्यवस्थित करने के लिए क्या करें, तो समायोजन क्या है? तो समायोजन प्रवृत्ति समानता वर्ष के अंत में, मतलब कोई भी आपका लेखा होगा जो वर्ष के अंत में अंतिम खाते तैयार करने की में की जाती है। फिर हिसाब की पुस्तकों में क्या करते हैं, छूट व व्यवहारों को लिखना, अपूर्ण लेन देनों को पूरा करना और दिए गए आयोजनों और प्रावधान को करना समायोजन कहलाता है। फिर है समायोजन प्रवृत्ति कर लेने के बाद समायोजन का लेखा व्यापारिक लाभ हानि और चिट्ठे पर किया जाता है। तो समायोजन का अर्थ व्यवस्थित करने से है, अतः एक अवधि में छूटे हुए व्यवहारों को लिखना, अपूर्ण लेखों को पूर्ण करना और असंबंधित व्यवहारों को अलग अलग करके, जो व्यवहार जो अलग अलग हैं अलग अलग करके त्रुटियों को सुधार करना ही समायोजन कहलाता है। तो समायोजन का अर्थ होता है व्यवस्थित करने से, तो किसी भी लेखा को तैयार करने से लिए उसको समायोजन करने के लिए तो उसको व्यवस्थित सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, व्यवस्थित एक अवधि के पूर्ण व्यवहारों को लिखना, अपूर्ण लेखों को पूर्ण करना और असंबंधित व्यवहारों को अलग अलग करना, त्रुटियों का सुधार करना समायोजन कहलाता है। फिर व्यवहारों को व्यवस्थित करने हेतु नकल विशेष में की जाने वाली प्रवृत्तियों को भी, जो नकल मतलब जो नकल और नकल विशेष में की जाने वाली प्रवृत्तियों को समायोजन प्रवृत्तियां कहलाती। तो ये हो गया समायोजन का अर्थ। तो आपके लिए ये समायोजन समायोजन का अर्थ, तो समायोजन का अर्थ क्या होता है आपको एक 2 नंबर के प्रश्न में इसको पूछ सकते हैं। छोटे छोटे आपको प्रश्न भी बन जाएंगे, समायोजन का अर्थ बताएंगे। उसके बाद है समायोजन का बनाने के कितने उद्देश्य, निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं, वो जो समायोजन है उसको बना। सबसे पहला लेखा पुस्तकों में होने वाली त्रुटियों का, मतलब अगर आप कोई समायोजन कर रहे हैं बना रहे हैं तो उसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि लेखा पुस्तकों में होने वाली त्रुटियों को सुधार करना, समस्त अर्जित किंतु अप्राप्त आय, अग्रिम आय, आदत व्यय, पूर्वदत्त व्यय को अंतिम खातों में शामिल करना और विभिन्न आवश्यक संचितियों का निर्माण करना, स्थायी संपत्तियों पर हास की व्यवस्था कर उन्हें वास्तविक मूल्य पर प्रदर्शित करना, फिर सभी आवश्यकताओं को पूर्ण कर वास्तविक लाभ हानि, मतलब जो जो स्थायी संपत्तियां होती है उन पर हास की व्यवस्था कर उन्हें अनेक अवतर जो उनके वास्तविक मूल्य को क्या करना प्रदर्शित करना, इसका उद्देश्य होता है समायोजन का। और सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर वास्तविक लाभ हानि व आर्थिक स्थिति का भी सही चित्रण करना, फिर व्यापार की सही आर्थिक स्थिति बताना, जो व्यापार है जो समाप्त होने वाले वर्ष में इसको समायोजित किया जाता है, इसमें आपको तो लाभ हानि को जो होते चिट्ठा होता है लाभ हानि खाता और चिट्ठे को इसको क्या करना सही आर्थिक स्थिति को बताना। तो ये समायोजन के क्या हो गए विभिन्न उद्देश्य हो गए। फिर है ऐसे समस्त व्यय जिनकी सेवाएं लेखा लेखांकन की अवधि में प्राप्त होती है परंतु भुगतान अभी तक नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, आदत व्यय कहते हैं। तो इसको आप क्या आदत कथन, इसका एक छोटा सा प्रश्न बना लीजिए अगर बनेगा तो आपको आदत व्यय क्या होते हैं, आदत व्यय। तो ऐसे समस्त व्यय जिनकी सेवाएं लेखांकन वर्ष के अवधि में प्राप्त होती है परंतु उसका भुगतान अभी तक नहीं किया जाता, उसे आदत व्यय। मजदूरी
किराया आदि व्ययों का बाकी रहना यह व्यवसाय के लिए क्या होते हैं? दायित्व होते हैं। तो आप कोई भी मतलब जो व्यवसाय है तो जैसे कि मजदूरी, वेतन, किराया, जी व्यय क्या होते हैं? बाकी रहना, मतलब जो उनको अदत व्यय, मतलब अपन को उनको देना है। तो ऐसे व्यवसाय के लिए क्या होते हैं? दायित्व होते हैं। तो आपको याद करना है कि अदत व्यय क्या होते हैं? ऐसे समस्त व्यय जिनकी सेवाएं लेखांकन वर्ष की अवधि में प्राप्त कर ली गई हो परंतु उनका भुगतान नहीं किया गया हो उसे अदत व्यय। फिर है व्यापार में कभी कभी किसी प्रकार का अधिक मात्रा में, तो जो व्यापार है अधिक मात्रा में भुगतान कर दिया जाता है, ऐसे व्ययों की राशि चालू वित्तीय वर्ष के साथ साथ आगामी वर्ष की कुछ अवधियों के लिए पर्याप्त होती है। तो जो आगामी मतलब आने वाले वर्ष के लिए भी अवधि के लिए पर्याप्त होती है, तो भुगतान की गई व्यय की राशि का संबंध आगामी वर्ष में भी क्या रहता है? आगामी वर्ष के लिए भी रहता है। तो वह राशि को क्या कहते हैं? पूर्वदत्त व्यय कहते हैं। तो जो व्यापार के पूर्व में, तो इसको कहेंगे पूर्वदत्त व्यय। तो पूर्वदत्त व्यय क्या होते हैं? तो व्यापार में कभी कभी किसी, आपने कोई व्यापार शुरू किया तो उसके लिए आप व्यय करोगे ना, तभी व्यापार हो पाएगा। तो अधिक मात्रा में भुगतान किया जाता है ऐसे व्ययों की जो चालू वित्तीय वर्ष में और आगामी वर्ष के लिए भी आप भुगतान कर देते हो, ऐसे व्ययों को क्या कहते हैं? पूर्वदत्त व्यय कहते हैं। इस प्रकार व्यय को आप जो इस प्रकार के व्यय होते हैं उसमें असमाप्त व्यय भी कहते हैं। मतलब ये व्यय कभी समाप्त नहीं होते, इसलिए इसे असमाप्त व्यय भी कहते हैं। और यह व्यय निम्नलिखित होते हैं, जैसे बीमा हो गया, बीमा प्रीमियम, विज्ञापन व्यय, किराया आदि, ये सब क्या कहलाते हैं? पूर्वदत्त व्यय के होते हैं, जो आगामी वर्ष के लिए भी उनका भुगतान होता है। फिर उपार्जित आय क्या होती है? उपार्जित आय वह आय होती है जिसमें लेखा अवधि में सेवाएं दे चुकी हों, तब जो लेखा वर्ष है उसकी लेखा अवधि में जो सेवाएं दे चुके होते हैं उनकी प्रति वर्ष के अंत तक नहीं हुई हो, इस प्रकार की आय को उपार्जित आय कहते हैं। लेखांकन वर्ष की अवधि में व्यवसाय के द्वारा अर्जित आय जिसका भुगतान वित्तीय विवरण की तिथि तक प्राप्त नहीं होता उसे उपार्जित आय कहलाता है। मतलब जिसका भुगतान वित्तीय विवरण लाने के लिए प्राप्त होता है उसे उपार्जित आय कहलाता है। उपार्जित आय एक व्यक्ति, जो उपार्जित आय है वह एक व्यक्ति खाता होता है। फिर इसे अंतिम खाता बनाने में समय समय उपार्जित आय को लाभ हानि में समाकलन, जो लाभ हानि खाता होता है समाकलन पक्ष में आय की राशि को जोड़ दिया जाता है और चिट्ठे में उपार्जित आय को लेखे की संपत्ति पक्ष में किया जाता है। अगर उपार्जित आय तलपट में दी जाता है तो इसका लेखा केवल चिट्ठे में संपत्ति के पक्ष में किया जाता है। तो जो आपका अंतिम खाता बनाते समय उपार्जित आय को आप क्या करोगे? लाभ हानि में समाकलन पक्ष में और चिट्ठे में उपार्जित आय का लेखा संपत्ति पक्ष में किया, तलपट में से केवल चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में किया जाएगा। तो ये हो गई आपकी, क्या हो गया ये उपार्जित आय क्या होती है। तो ये आपका हो गया उपार्जित आय। फिर है इसके बाद कि अनुपार्जित आय क्या होती है। ये हो गया आपने उपार्जित आय देखा, अब ये हो गया आपका अनुपार्जित आय। अनुपार्जित आय वह होती है जिसके लिए सेवाएं दी, तो मतलब जो तब जो चालू वर्ष के इनकी सेवाएं तो दी जाती है परंतु भुगतान अग्रिम में प्राप्त हो गया तब पहले से इसका आपको क्या हो जाता है? भुगतान हो जाता है और चालू वर्ष की आय नहीं होती, मतलब वह चालू वर्ष के लिए आय नहीं होती। लाभ
जो लाभ हानि से संबंधित उत्पादित आय वह आय है जिसमें मतलब जो जिनमें लेखा अवधि में सेवाएं दी जाती है परंतु इसका मतलब जो इसकी भुगतान है उसकी राशि को वर्ष के अंत में नहीं होती। कैसे लाभ हानि से जो जो ये अनुपादित आय है उसको लाभ हानि से संबंधित मदों में क्या करते हैं घटाना घटा देना चाहिए और चिट्ठे में दायित्व में लिखा जाना चाहिए। इस बिंदु द्वारा इसे मतलब अनुपादित आय को इन बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं कि अनुपादित आय एक व्यक्ति का खाता है। दूसरा है अंतिम खाता। जो अंतिम खाते लाभ हानि खाते और समाकलन से संबंधित मदों को क्या करते हैं घटा देना चाहिए। मतलब जो मतलब जो आपके पास अंतिम खाता बनाते समय लाभ हानि खाते में समाकलन पक्ष में सभी मदों से इसको क्या करते हैं घटा देना चाहिए और यह चालू वर्ष से संबंधित नहीं होती। जो अनुपार्जित आय होती है वह चालू वर्ष से संबंधित नहीं होती। अनुपार्जित आय को चिट्ठी में दायित्व पक्ष में दर्शाया जाता है। यदि अनुपार्जित आय चिट्ठे से प्रदर्शित की जाए तो केवल चिट्ठे में दायित्व पक्ष में सूचना करते हैं दर्शाया जाता। तो आपके लिए आज छोटा छोटा आपको समायोजन क्या होता है समायोजन के उद्देश्य क्या होते हैं आदत व्यय पूर्वदत्त व्यय समायोजित अनुपार्जित आय ये सब आपको बताया। आप इसको ध्यान से पढ़ोगे या